हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखो पर। आज हम फिर से कुछ इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस और ईडियम पे बात करेंगे जो कि आपकी इंग्लिश को और बेहतर बनाने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला ईडियम आपका द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, इसका मीनिंग है इट्स अप टू। इट्स अप टू यानी कि अब आपका दायित्व है। एक सेंटेंस इस पे आई थिंक आई हैव डन मोर देन एनअप टू सेव अवर मैरिज। द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ, यानी कि जो हमारी मैरिज है उसको सेव करने के लिए मैंने काफ़ी कुछ कर लिया है, अब आपकी बारी है। द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ, यानी कि अब आपका दायित्व भी है। अगला सेंटेंस है हमारा स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स, इसका मीनिंग है टू गिव अवे अ सीक्रेट। टू गिव अवे अ सीक्रेट यानी कि कोई सीक्रेट बता देना। इसके ऊपर एक सेंटेंस है आई कैन नॉट बिलीव यू स्पिल द बीन्स अबाउट आवर पार्टी टुमारो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने हमारी आज कल होने वाली पार्टी के बारे में बता दिया है। यानी कि टू रिवील अ सीक्रेट, कि कोई सीक्रेट उजागर करना, स्पिल द बीन्स का मतलब। अगला आइडिया है दोस्तों हमारा पुल समवंस लेग। पुल समवंस लेग, इसका मीनिंग है टू प्ले अ प्रैक्टिकल जोक, यानी कि किसी पे किसी का मजाक बनाना। डोंट वरी अबाउट व्हाट ही सेड, ही इज जस्ट पुलिंग योर लेग। यानी कि जो भी उसने कहा उसके लिए आप डोंट वरी हो जाओ, कोई चिंता मत करो, क्योंकि वो जस्ट क्या कर रहा था, जोक कर रहा था, मजाक कर रहा था। तो जो भी उसने कहा उसके लिए आपको कोई चिंतित होने की जरूरत आवश्यकता नहीं है। अगला ईडियम हमारा सेट ऑन द फेंस। सेट ऑन द फेंस, इसका मीनिंग है टू बी अनडिसाइडेड, इनकी किसी चीज़ को डिसाइड नहीं कर पाना। एक सेंटेंस है यू कांट सिट ऑन द फेंस एनी लॉन्गर, यू मस्ट चूज हूज साइड यू आर। यानी कि तुम अब इस तरीके से बिना डिसाइड किए नहीं रह सकते हो, तुम्हें अब चूज करना ही होगा कि तुम किस साइड हो। तो सेट ऑन द फेंस का मीनिंग हो गया टू बी अनडिसाइडेड। अगला आइडिया है दोस्तों कम रेन एंड और साइन। कम रेन और साइन, इसका मीनिंग है नो मैटर व्हाट द सरकमस्टांसेस में। जैसे सेंटेंसेस में ही प्ले गोल्फ कम रेन और साइन एवरी मंडे, यानी कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो जाएं वह मंडे को गोल खेलेगा। तो कम रेन और साइन का मीनिंग क्या हो गया कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों। ये थे दोस्तों हमारे कुछ ईडियम। अब बात करते हैं कुछ सेंटेंसेस पे जिन्हें हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, बोलते हैं। तो कुछ सेंटेंसेस हैं यहाँ पे। पहला सेंटेंस है तुमने अजीब व्यवहार किया। तुमने अजीब व्यवहार किया, यू बिहेव स्ट्रेंजली। यू बिहेव स्ट्रेंजली, यू बिहेव स्ट्रेंजली। वह धीरे धीरे बोलता है, ही स्पीक्स स्लोली। वह धीरे धीरे बोलता है, ही स्पीक्स स्लोली। वह काफ़ी धीरे लिखती है, वह काफ़ी धीरे लिखती है। सी राइट्स क्वाइट स्लोली, सी राइट्स क्वाइट स्लोली। मैं आगरा भी जाऊंगा, आई विल विजिट इवन आगरा। यानी कि मैं आगरा भी जाऊंगा, आई विल विजिट इवन आगरा। यह बिल्कुल असंभव है, यह बिल्कुल असंभव है। इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल, इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। आपकी मार्कशीट इस फाइल के नीचे होनी चाहिए, आपकी मार्कशीट इस फाइल। योर मार्कशीट मस्ट बी बिनिथ दिस फाइल, योर मार्कशीट मस्ट बी बिनिथ दिस फाइल। यानी कि बिनिथ का मतलब होता है नीचे। और बिनिथ वर्ड कब यूज़ करते हैं हम, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे हो लेकिन वो आपस में एक दूसरे को छू रही हो, टच कर रही हो। तो जैसे मार्कशीट है फाइल के नीचे होनी चाहिए, यानी कि मार्कशीट अगर फाइल के नीचे है तो जब मार्कशीट है फाइल को छू रही है। यहाँ अगला सेंटेंस है तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया। द टेम्परेचर इज़ रिकॉर्डेड बिलो 2 डिग्री सेल्सियस,
द टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। वह मेरे सामने खड़ा था। ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर मी। वे हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। They are trying to fool us। तो ऐसे दोस्तों हमारे आज के कुछ सेंटेंसेस एंड idiom। बाकी बने रहे इस वीडियो के साथ हमारे चैनल पे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।